नोटबंदी के 11वें दिन बैंकों के हुण हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। लाइना तकरीबन खत्म हुंदियां नजर आ रही ने। चंडीगढ़ के जायजा लिया जी मीडिया पत्रकार पुनित परिंजा ने। पिछले काफी दिनों से जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी बैंकों के बाहर, जब नोटबंदी की गई थी 500 और 1000 की, वो अब कतारें जो है वो यहाँ पर कम होना शुरू होगी। इस वक्त हम चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन के HM के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो कतारें यहाँ पर मूवमेंट पिछले काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। यानी कि लोगों की अब जो असुविधा थी वो अब नाम मात्र ही रह गई है। लोग जो है यहाँ पर आसानी से पैसा यहाँ पर आप निकलवाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग उनसे जरूर बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मोनू। पहले जो कतारें लंबी लंबी लगी हुई थी, अब कितनी राहत फील कर रहे हैं? हाँ जी, उससे तो काफ़ी राहत राहत है काफ़ी। हाँ जी। तो अब जो हालात जो बने हुए थे, आपको लग रहा है कि उससे अब काफ़ी दिक्कत जो हो रही थी अब दूर हुई है? हाँ जी, अब दूर हो रही है। ठीक है, तो दिक्कत जो है वो दूर जरूर हुई है। यहाँ पर कुछ है, लोग भी हैं, उनसे भी हम जरूर बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लगातार जो हालात बने हुए थे उसके बाद जो स्थिति बनी हुई थी। आपका क्या नाम है जी? के सिंह। पैसे निकलवाने हुए? हाँ, पैसे। तो जो पहले जो हालात बने हुए थे उनसे कुछ लग रहा है अब जो दिक्कत आ रही थी? कम है, अब कम है, कम है। हाँ, भीड़ कम है अब। तो सुबह अब तो राहत मिल गई है काफ़ी, जिस तरह से लगातार जो बने हुए? हाँ, राहत तो है, राहत। तो जो हालात बने हुए थे जाहिर तौर पर उसमें काफ़ी अब भीड़ जो थी, जो लंबी लंबी लाइनें थी उसमें जो यहाँ पर कटौती दिखने लगी है, और उसका जो फ़ायदा है कहीं ना कहीं बैंकों में जो रेस्ट था वो भी कम हुआ है, और उसको आम जनता जो असुविधा महसूस कर रही थी उसमें भी अब जो है काफ़ी जो राहत है वो आम लोगों को मिलनी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सामान्य हो जाएगा, और जाहिर तौर पर अब उसका असर भी जो है वो दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ में पंजाब जी मीडिया चंडीगढ़।